मॉर्निंग बच्चों, योर वेलकम इन मैथ्स क्लास। तो आप अपनी मैथ्स की बुक निकाल लीजिए, आज हम करेंगे चैप्टर 37। ठीक है, देखिए हमने पहले पैसों को ऐड करना रुपए और रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना सीखा था, ठीक है, और उनको ऐड करना सीखा था। आज हम क्या करेंगे, उनको घटाना सीखेंगे। ठीक है, घटाने का मतलब कि जैसे कि आपके पास मान लीजिए 10 रुपए हैं, आपने क्या किया 5 रुपए की टॉफी ले ली, तो आपके पास कितने बचे 5। आपने क्या करा, 10 में से 5 को घटाया तो 5 आ गया। इसी तरीके से इसमें आप करते हैं। पहले हमें क्या करना है, रुपये को पहले कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया है, क्योंकि कन्वर्ट करना तो हमको आता है। 87 रुपीज है, इनको इंटू कर दिया 100 से, तो 8739 पैसे हो गए। ठीक है, 8739 ये पैसे हो गए। और 45 रुपीज है, तो 4500 हो जाएंगे, और 65 का 65। ठीक है, पहले हमें कन्वर्ट कर लिया पैसे में, अब हम इन्हें घटा देंगे। इसमें से हमने इसे घटा दिया, तो ये हमारे पास कितने पैसे आ गए, 4174। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपको इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, इस कॉलम नंबर 5 पर आ जाइए, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर 5। अब हमें ये बुक में आपको दिया ही हुआ है, आपको सिर्फ इसको घटाना है। तो 5 में से 0 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2, यहाँ पर 0 है कैरी ले लेंगे, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 4 3। ठीक है, और इस तरीके से आपको क्या करना है, 6 और 7 कर लेना है होमवर्क है आपका। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग अमाउंट्स। अब आपको ये जो अमाउंट दिया हुआ है उनके बीच में डिफरेंस पता करना है, यानी कि घटाना है। 124.36 पैसे, 68 रुपीज एंड 72 पैसे, इनमें से इसको घटा दिया, तो हमने इसको इसमें से घटा दिया, तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 11, 9, 10, 11, 12, 13,